राज शहर का जाना माना बॉडी बिल्डर है। उसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कई सारे अवार्ड जीते हैं। एक दिन राज सुबह सुबह अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक उसके दरवाजे की घंटी बजती है। पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया है, सारी नींद खराब कर दी। राज तुरंत उठकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर एक अनजान आदमी खड़ा हुआ था। हाँ भाई बोलो, किससे मिलना है? लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता और अचानक से राज को एक जोरदार किक मारता है, जिससे राज नीचे गिर जाता है। और फिर वो आदमी दरवाजा बंद कर लेता है और अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है। ये देखकर राज बहुत घबरा जाता है। अरे भैया तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन वो आदमी राज की एक भी नहीं सुनता और राज के ऊपर फायरिंग करने लगता है। पहली गोली राज के कंधे से होकर गुजर जाती है, उसे हल्की सी चोट आ जाती है। अब राज के पास खुद को बचाने के लिए तीन ऑप्शन थे, पहला कुर्सी, दूसरा टेबल और तीसरा सोफा। सोचे लॉजिकल आर्मी, राज फटाक से क्या कर सकता है खुद को बचाने के लिए। ध्यान से देखिए, टेबल के नीचे पहिए लगे हुए हैं, मतलब वो टेबल पहिए की मदद से चल सकता है। राज उस टेबल को एक जोरदार लात मारता है, टेबल सीधा जाके उस आदमी को लगता है। टेबल का धक्का लगते ही वो आदमी नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर राज तुरंत बाथरूम के अंदर छुप जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। वो आदमी दरवाजे पे फायरिंग करने लगता है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा, क्योंकि उस आदमी के हाथ में गन है, नहीं तो मैं आज उसका कचूमर बना देता। वो आदमी जोर जोर से दरवाजे को धक्का देने लगता है। लॉजिकल आदमी, राज क्या कर सकता है बाथरूम से भागने के लिए, खिड़की तो बड़ी ऊंची है, सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, टॉयलेट सीट के ऊपर तो जाली बनी हुई है, वो है तो ऊपर, लेकिन बाथरूम के अंदर एक बाल्टी भी रखी हुई है। राज टॉयलेट सीट के ऊपर वो बाल्टी रखता है, उस पे चढ़ता है, जाली को पूरा तोड़ देता है और वहां से निकलकर भाग जाता है और तुरंत डिटेक्टिव मेहुल के घर पहुंच जाता है। उस समय मेहुल सुबह सुबह अपने छत पर एक्सरसाइज कर रहा था। राज मेहुल को आवाज लगाता है, लेकिन मेहुल ने अपने कान में हेडफोन लगा रखा था, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। राज मेहुल के घर के दरवाजे को नॉक करने लगता है, लेकिन दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद था। मेहुल सर ने तो अपने दरवाजे पर एक पासवर्ड लगा रखा है और मुझे मैथ नहीं आता, अब क्या करूंगा मैं? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं गेट को ओपन करने का कोड क्या होगा? सोचिए सोचिए। इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो पहला नंबर है वही आंसर है। जैसे पहले में 2 तो 2 आंसर है, दूसरे में 6 तो 6, फिर 8 तो 8, मतलब 3 तो आंसर हो जाएगा 3। अब राज घबराहट में 3 नंबर तो दबा देता है, तो के में उसका नंबर सही हो जाता है और दरवाजा खुल जाता है। के अंदर जाते ही जोर जोर से अलार्म बजने लगता है, इसका मतलब मेरे घर के अंदर कोई घुस आया है। मेहुल तुरंत छत से नीचे आता है तो मेहुल को वहाँ राज दिखाई देता है। मिस्टर राज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? सर आप मुझे कैसे जानते हो? राज, तुम शहर के जाने माने बॉडी बिल्डर हो और मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मैं सबकी खबर रखता हूँ। इसके बाद राज मेहुल को सारी सच्चाई बताता है। और डिटेक्टिव मेहुल तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालता है और अपनी गाड़ी से राज के साथ उसके घर पहुंच जाता है। राज के घर का दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। सर लगता है वो आदमी भाग गया है। मेहुल अपनी रिवॉल्वर लेकर घर के अंदर जाता है। वहां पर एक आदमी की बॉडी पड़ी हुई थी और किसी ने उसे गोली मार दी थी। सर ये तो वही आदमी है, लेकिन इसे किसने मार दिया? मिस्टर राज जरूर आपको छुपा रहे हैं, इसका मर्डर कहीं आपने तो नहीं किया? सर आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं भला इसे क्यों मारूंगा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। मेहुल पूरे घर की तलाशी लेता है और बाथरूम में भी जाकर देखता है। राज के खुद के रूम में सारा सामान बिखरा हुआ था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब खूनी जो भी था वो बॉडी बिल्डर था या फिर राज का कॉम्पिटिटर होगा और राज से बहुत जलता है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि जो भी आया था वो राज से बहुत जलता है? सोचिए सोचिए। राज के कमरे को ध्यान से देखिए, केवल राज की ट्रॉफी और मेडल ही नीचे पड़े हुए हैं और कोनी ने राज के बॉडी बिल्डिंग के सर्टिफिकेट भी फाड़ दिए हैं। इसके अलावा उसके कमरे में किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा गया है, इसका मतलब साफ है कि वो राज की सक्सेस से जलता था। इसके बाद मेहुल उसी आदमी की डेड बॉडी का एक फोटो लेता है और अपने खबरी को भेज देता है। थोड़ी देर बाद मेहुल का खबरी मेहुल को बताता है कि एक क्रिमिनल था और पैसे लेके लोगों का मर्डर करता है। दूसरों का मर्डर करने वाला खुद ही मर गया, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन मुझे पता लगाना होगा कि इस आदमी का मर्डर किसने किया है। मेहुल डेड बॉडी को अपनी कार में रखता है और राज से कहता है,
मिस्टर राज आप मेरे साथ चलिए, यहाँ पर आपकी जान को खतरा हो सकता है। राज अपना कुछ सामान लेता है और मेहुल के साथ निकल जाता है। मेहुल सबसे पहले डॉक्टर चंद्रा की लैब में पहुंच जाता है। मिस्टर राज आप गाड़ी के अंदर बैठिए, मैं डेड बॉडी को लैब के अंदर रख के आता हूँ। मेहुल डेड बॉडी को लेकर लैब के अंदर चले जाता है, लेकिन लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं चारों बलून्स में कौन सा बलून ऑड वन आउट है? वैसे तो सारे गुब्बारे हैं, लेकिन येलो बलून वाई से शुरू होता है और बाकी तीनों बलून बी से शुरू होते हैं, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। मेहुल 3 नंबर के बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। मेहुल डेड बॉडी को लैब के अंदर रख देता है और डॉक्टर संजना के साथ बातें करने लगता है। तभी अचानक मेहुल को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल तुरंत दौड़कर लैब के बाहर आता है। लैब के बाहर बाइक पर 2 लोग मेहुल की कार पर फायरिंग कर रहे थे। ये मिस्टर राज पे फायरिंग क्यों कर रहे हैं? मेहुल को देखते ही वो दोनों लोग वहां से भाग जाते हैं। मेहुल की कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए राज की जान बच जाती है। मेहुल तुरंत अपनी कार स्टार्ट करता है और उन दोनों लोगों का पीछा करता है। राज भी कार के अंदर बैठा हुआ था। वो दोनों बहुत तेजी से बाइक चला रहे थे। मेहुल भी पूरी स्पीड से कार चलाता है। तभी बाइक के पीछे बैठा आदमी मेहुल की कार पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन मेहुल बिल्कुल भी नहीं डरता और लगातार उनकी बाइक का पीछा करता रहता है। मेहुल की गाड़ी में एक पानी की बोतल रखी हुई थी। ऐसे तो ये दोनों को पकड़ना मुश्किल है, मुझे पानी की बोतल फेंककर उन्हें मारना चाहिए ताकि ये दोनों नीचे गिर जाए और मैं इन्हें पकड़ लूं। अब मेहुल के पास 3 ऑप्शन थे। पहला, मेहुल गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर राज को बिठा दे और राज कार चलाएगा और मेहुल कार के बगल वाले कांच से पानी की बोतल फेंक के मारेगा। दूसरा, मेहुल पूरी स्पीड से कार चलाकर उन दोनों को टक्कर मार देगा, लेकिन ऐसे में उन दोनों को चोट लग सकती है। तीसरा, मेहुल राज को पानी की बोतल मारने के लिए बोलेगा। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन सेंसिबल है? सोचिए सोचिए। पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं चुनेगा, क्योंकि अगर वो कार रोकेंगे तो मेहुल सीट बदलेगा, राजा के सीट पे बैठेगा, उतने देर में तो वो बाइक वाले वहां से भाग जाएंगे। दूसरे वाले ऑप्शन में खतरा है, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है और वो दोनों मर भी सकते हैं। मेहुल को उन्हें जिंदा पकड़ना है। मेहुल तीसरा ऑप्शन चूज करेगा। मेहुल कार को उस बाइक के बाजू में ला लेता है। राज खिड़की खोलकर पानी की बोतल फेंक के मारता है, लेकिन राज का निशाना चूक जाता है और बाइक के पीछे बैठा आदमी दोबारा से राज पे फायरिंग करने लगता है। राज तुरंत कांच ऊपर कर लेता है, लेकिन मेहुल कार की स्पीड बढ़ा देता है और वो दोनों को ओवरटेक करके कार उनके सामने ला के रोक देता है। दोनों ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बाइक मेहुल से कार जाके टकरा जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। मेहुल और राज मिलकर तुरंत उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उनका हेलमेट उतार देते हैं। अरे ये तो मेरा दोस्त विशाल है, हम दोनों साथ में बॉडी बिल्डिंग करते हैं। सच सच बताओ विशाल, तुम राज को क्यों मारना चाहते थे? तो विशाल बताता है कि उसे राज की सक्सेस से नफरत है, इसलिए वो राज को मारना चाहता है। विशाल अगर राज से आगे निकलना है तो मेहनत करो, लेकिन राज को मारने के चक्कर में तुमने सुपारी किलर को मार दिया। इसके बाद मेहुल विशाल और उसके दोस्त को पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।